हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीडियो। जैसे आपको पता है, हमारी 10 अमेजिंग फैक्ट्स की सीरीज चलती है और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। हम चलते हैं इस वीडियो के फर्स्ट फैक्ट पे। तो क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं, कैसे इनको टेस्ट किया जाता है, ये इंडियंस ने सबसे पहले सुना था 1974 में, जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर डेटोनेशन किया था, पहला न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट किया था पोखरण रेंज जो कि राजस्थान में, और जिस प्रोजेक्ट का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जो कि हुआ था 1974 में। जो बॉम्ब इंडिया ने टेस्ट किया था उसकी टोटल पावर थी 8 किलोटन, जो कि था हाफ पावर एक और बॉम्ब जिसका नाम है लिटिल बॉय, जो कि अमेरिका ने ड्रॉप किया था जापान पे, जापान के एक शहर हिरोशिमा पे। हम नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम था अप्सरा। तो आपको अगर पता हो तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा प्लांट होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी बनाई जाती है। न्यूक्लियर रिएक्शन से बहुत सारी हीट निकलती है जिससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और आगे वो स्टीम टर्बाइंस को घुमाती है। तो जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम था अप्सरा, और ये फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर था एशिया का। जो अप्सरा था ये 4 अगस्त 1956 को इसको बनाया गया था ट्रॉम्बे में, और ये जो ये इंडिया और एशिया का पहला फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट था। जो हमारा थर्ड फैक्ट है वो ये ऑपरेशन शक्ति, जो जिसको बोला जाता है पोखरण 2। तो जो हमने टेस्ट किया था 1974 में उसको बोला जाता था पोखरण 1, और जो ऑपरेशन शक्ति उसको बोला जाता है पोखरण 2, जो कि हुआ था 1998 में। तो वो इंडिया का फर्स्ट फ्यूजन बॉम्ब था, फ्यूजन में हम टेस्ट किया था, जिसकी यील्ड थी, जिसकी पावर थी 58 किलोटन। तो हम इसको अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा कि क्या फ्यूजन बम होता है और कौन सा दूसरा तरह का बम होता है। और जो इसमें ऑफिशियल नंबर है इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट का वो है 6। तो इंडिया ने अब तक टोटल 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, जिसमें से जो एक न्यूक्लियर टेस्ट था वो किया था 1974 में, और बाकी के जो 5 थे वो किए थे ऑपरेशन शक्ति के अंदर 1998 में। तो जो ऑपरेशन शक्ति था, जिसको पोखरण 2 भी बोला जाता है, इस पर एक बहुत फेमस बॉलीवुड मूवी बनी है जिसका नाम है परमाणु। तो इन जो ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन शक्ति, ये इंडिया का फर्स्ट फ्यूजन बॉम्ब था। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं दो तरह के होते हैं, या तो ये एक फ्यूजन रिएक्शन होता है या एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो फ्यूजन तब होता है जब पार्टिकल्स आपस में आके मिलते हैं, और फ्यूजन तब होता है जब एक पार्टिकल टूटता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो इंडिया का जो फर्स्ट फ्यूजन बॉम्ब था उसकी जिसकी अप्रॉक्सीमेट लीड थी 58 किलोटन, ये टेस्ट किया गया था 1998 के जो ऑपरेशन शक्ति के टाइम पे। और जो इसकी शाफ्ट थी, जिस शाफ्ट में इसको टेस्ट किया गया था, उसमें से एक शाफ्ट का नाम था व्हाइट हाउस। जो आज का हमारा फिफ्थ फैक्ट है वो ये है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो कि हमको न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो हम एनर्जी बनाते हैं, वो सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 3% है जो कि इंडिया की टोटल एनर्जी आउटपुट है। तो इंडिया में जितनी भी एनर्जी बनती है उसमें से सिर्फ 3% एनर्जी हमारे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती है, न्यूक्लियर एनर्जी है। और हमारे पास टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। तो अब देखिए, इंडिया जैसी कंट्री, वो अभी सिर्फ 3% जो उनकी एनर्जी आउटपुट है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर एनर्जी में, बाकी सारी हम कोल है और हमारे पास विंड है, सोलर है। तो इंडिया जैसी कंट्री जिसकी पावर डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया का इस सेक्टर में, न्यूक्लियर एनर्जी में, आगे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। हम इंडिया काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि इनको जितना सेफ बनाया जा सके और इनको जितना एक्यूरेटली बनाया जा सके उतना इंडिया के लिए बेटर है। और क्या इसमें सेफ्टी का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये मैं एक आगे की स्लाइड में थोड़ा इसको डिस्कस करूँगा। जो इंडिया है, इंडिया लीड करता है पूरी दुनिया में थोरियम, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सब्स्टिट्यूट करता है न्यूक्लियर फ्यूल में। तो जो भी एक न्यूक्लियर प्लांट होता है उसमें एक न्यूक्लियर फ्यूल होता है जिसमें रिएक्शन होते हैं और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो जो थोरियम है उसको ज़्यादातर इंडिया ही यूज़ करता है, और इंडिया के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स भी हैं थोरियम के। तो इंडिया के पास पूरी दुनिया में जितने भी थोरियम के रिजर्व्स हैं उसमें 30% इंडिया के पास है, जो कि कोस्टल रीजन ऑफ साउथ इंडिया। तो जो आपको साउथ इंडिया है जिसमें काफ़ी स्टेट्स आते हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इन स्टेट्स में जो ये थोरियम है इसके रिजर्व्स पाए जाते हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया की। जो आज का मेरा सेवन्थ फैक्ट है वो ये है कि इंडिया और उसके अलावा बाकी और 3 कंट्री, तो ये टोटल 4 ऐसी कंट्री हैं, इसराइल, पाकिस्तान, साउथ सूडान और इंडिया, जिन्होंने एनपीटी को साइन नहीं किया। तो एनपीटी क्या है? एनपीटी है नॉन प्रोफेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये मैं अगर आपको बिल्कुल एक बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो क्या है कि 1967 तक जिन जिन कंट्रीज़ ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे वो एक तरह से
ऑफिशियल न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और उसके बाद उन्होंने ये इस ट्रीटी को बना दिया एनपीटी, जिसके अंदर ये था कि इसके बाद वो किसी भी और कंट्री को अलाउ नहीं कर रहे थे कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएं या न्यूक्लियर टेस्ट करें। तो सबको, सब कंट्रीज़ को ये ट्रीटी साइन करनी थी, पर क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और इन तीनों के पास तो न्यूक्लियर वेपन्स है भी है, साउथ सूडान एक ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, पर फिर भी उन्होंने आज तक एनपीटी को साइन नहीं किया। एनपीटी को साइन ना करना एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि न्यूक्लियर सरप्राइज ग्रुप एनएसजी में अपनी एक सीट चाहना, पर चाइना हमेशा एनपीटी की प्रॉब्लम को लेकर आता है कि क्योंकि इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं की है तो चाइना ब्लॉक करता है इंडिया की सीट एनएसजी में। जो आज का मेरा 8th फैक्टर वही है कि जापान में जो न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था 2011 में, तो आपको पता होगा कि अगर जापान में एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था फुकुशिमा में, तो काफ़ी सारी कंट्रीज इससे डर गई, काफ़ी सारी कंट्रीज ने ये भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो चाहती हैं कि आने वाले टाइम में वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा ख़त्म कर दें। जैसे जर्मनी चाहती है कि 2022 तक वो ऑफिशियली अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहती है, और इटली और स्विट्ज़रलैंड जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि वो अपने न्यूक्लियर डिपेंडेंसी को ख़त्म करें, पर इंडिया और चाइना इसको अभी भी इसमें और रिसर्च और इसमें काफ़ी और पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत क्लीन है और बहुत यूज़फुल है। तो ये एक तो 2011 में जो इंसिडेंट हुआ था जापान में, ये तो एक चीज़ है। एक अगर आपको पता, एक जैसे पहले सोवियत यूनियन होता था, तो सोवियत यूनियन में एक जगह का नाम था जिसका नाम था चेर्नोबिल। तो चेर्नोबिल आज के टाइम पे यूक्रेन में आता है। तो जो चेर्नोबिल है वहाँ पर भी 1986 में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, जिसको माना जाता है अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसमें थोड़ी सी भी आप गलत चीज़ करेंगे, थोड़ा सा भी इसको हैंडल सही से नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही रिएक्टिव होती है और बहुत जल्दी इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जापान में जो हुआ था और जो उस टाइम के USSR और आज के टाइम में यूक्रेन में जो हुआ था, ये एक बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे इस मैं कहूँगा इस जो एनर्जी बनाने का तरीका है काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसलिए काफ़ी सारी कंट्रीज डर गई हैं और वो चाहती हैं कि इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्शन से एनर्जी को बनाते हैं। जो इस वीडियो का मेरा सेकंड लास्ट फैक्ट है वो ये है कि इंडिया के पास टोटल एक एस्टीमेट है 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन्स जो उसके आर्सेनल में 2016 तक। तो किसी भी कंट्री को ऑफिशियली अपना डिक्लेयर नहीं करना होता है कि उनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, पर कुछ सोर्सेज से, कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज से या फिर कुछ रिसर्च से पता लग सकता है कि इंडिया के पास अप्रॉक्सीमेटली 130 से 140 न्यूक्लियर वेपन हैं 2016 तक, और इंडिया के पास 4200 kg है न्यूक्लियर ग्रेड प्लूटोनियम। तो ये एक तरह से न्यूक्लियर फ्यूल होता है जिससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी, हमारे पास इतना फ्यूल है कि हम और 1000 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, पर क्योंकि इंडिया हमेशा किसी भी कंट्री पे पहले अटैक नहीं करता है, इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर के लिए भी साइन किया हुआ है कि नो फर्स्ट यूज़, तो वो इंडिया कभी भी फर्स्ट ऐसी कंट्री नहीं बनेगा। अगर वॉर होती है इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में, तो इंडिया पहले कभी भी अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं किया। तो इंडिया ने एक ऐसी ट्रीटी भी साइन करी है। तो इंडिया के पास बहुत सारा मैं कहूँगा न्यूक्लियर ग्रेड फ्यूल है, पर फिर भी वो उसको वेपन्स में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिया चाहता है कि एक पूरी दुनिया में पीस रहे और ये जो न्यूक्लियर वॉर है ये कभी भी पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर का ना। जो इस वीडियो का मेरा लास्ट फैक्ट है वो ये है कि काफ़ी सारे अमेरिकन साइंटिस्ट और काफ़ी सारी जो दुनिया में एजेंसी जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही हैं, तो उन्होंने काफ़ी बार बोला है कि जो इंडिया में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रही है, जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो एक बहुत लेट शुरू हुआ ये प्रोग्राम। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको 1930s 1940s में शुरू कर दिया था, तो हमारा कंट्री का प्रोग्राम बहुत लेट शुरू हुआ, पर फिर भी इन्होंने ऐसी एक्यूरेसी दिखाई है, इंडियन साइंटिस्ट ने ऐसी एक्यूरेसी दिखाई है, इतनी डिफिकल्टीज होने के बाद भी हमने टेस्ट किए कि ये जो ये एक लेवल है, जो एक एक्यूरेसी का लेवल है, ये सिर्फ एक USSR जो कि आज के टाइम पर रशिया है उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है और इंडिया के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी। कई बार US बोलता है कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जिस लेवल पे उस रिसर्च कर रहे हैं, इंडिया उनसे भी कुछ कदम आ गए। तो आप देखें कि कैसे इंडियन साइंटिस्ट ने कितना एफर्ट लगाया, उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी कि पूरे सोर्सेज ना होने के बाद भी, इतने रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किए और आज इंडिया एक ऑफिशियल न्यूक्लियर स्टेट है। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो को देख के आपको इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी होंगी। आपको पता लगा होगा कि कैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम वेपन्स में भी यूज़ किया जा सकता है और उसके उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है और क्या क्या फ्यूल्स इंडिया इसमें यूज़ करते हैं। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।